हे फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू दिस चैनल। सभी नए यूट्यूबर्स को वो एक टारगेट पहुंचना है, 1000 सब्सक्राइबर्स, 4000 वॉचर्स, क्योंकि वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मोनेटाइजेशन के लिए। अब 1000 सब्सक्राइबर्स पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन 4000 वॉचर्स ये पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको 3 ऐसे टिप्स दूंगा, अगर आप फॉलो करोगे डेफिनेटली आपको वो जो 4000 आवर्स पहुंचने का जो पाथ है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने कहीं पे भी खास करके YouTube में अगर ऐसे कुछ थंबनेल देखा जो कहता है कि 4000 वॉचर्स इन 2 months, 4000 वॉचर्स इन 1 month, 4000 वॉचर्स इन 1 week, ये लोगों के लिए मोटिवेशन नहीं है, ये लोगों के लिए डीमोटिवेशन है। हो सकता है कि वो लोग प्रूफ के साथ ये आपको दिखा दे, उसको एक आइडियल एग्जाम्पल की तरह नहीं लेना है। जहां तक मैं जानता हूं, एक एवरेज टाइम 4000 आवर्स पहुंचने के लिए हो सकता है कि 1 साल हो या उससे भी ज्यादा हो, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन 1 साल से कम होना आज के डेट में ये बहुत कम पॉसिबिलिटी है। जो लाखों लोग यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं इंडिया में, उनमें से कुछ लोग इधर उधर जो खुद भी यूट्यूबर्स हैं, अचानक लकीली यूट्यूब एल्गोरिथम उनके चैनल के फेवर में चला गया। आपने तो देखा ही होगा, अचानक एक चैनल जो है वो एकदम से व्यूज गेन करने लग जाता है। ये जो इस टाइप से थंबनेल बना के अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, ये इतना आसान नहीं है, आपको एक एवरेज लेना पड़ेगा। अगर इस तरीके का शॉर्ट पीरियड का आप इंटेंट लेके अगर 4000 आवर्स कवर करने के बारे में सोच रहे हो तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे, पक्की बात है। नाउ विल स्टार्ट विद द एक्चुअल ट्रिक्स। हम एक नया YouTube चैनल खोलते हैं, उसमें हो सकता है कि हमारा कुछ टैलेंट हम दिखाएं, हो सकता है कि हम एक पियानो प्लेयर हो सकता है कि हमारा कुछ आर्ट है, हम किसी चीज़ पे नॉलेज शेयर करते हैं, हम लोग सिंगर हो, डांसर हो, कुछ भी हो। इनिशियली हो सकता है कि आपके दोस्त आपके वीडियोस को देख के अप्रिशिएट भी करें, लेकिन एक टाइम पे आप चाहते हैं कि नए नए लोग, जो लोग आपको नहीं जानते हैं, वो आपके चैनल पे आए, और हो सकता है कि आपने 10-15 वीडियोस भी शेयर किया है। तो जो भी आपका एक पर्टिकुलर वीडियो देखेगा, आपके वीडियो में कुछ ऐसे होना चाहिए कि वो इंसान उस वीडियो खत्म होने के बाद कोई और वीडियो देखना चाहे। यहाँ पे आप ध्यान से सोचो, लकीली एक व्यूअर आके आपके कोई एक यूट्यूब वीडियो को देख सकता है, लेकिन अगर वो वीडियो देख के उसको अच्छा लग के दूसरा वीडियो भी देखेगा, रिकमेंडेड वीडियोस में अगर आपका वीडियोस आएगा तब भी वो देखेगा, आपके चैनल में अलग अलग वीडियोस में जाके देखेगा, अगर ये सिचुएशन आ जाए तो वहां पे आपका वॉच आवर्स बढ़ेगा। इसका मतलब आपका जो वीडियो है, इट शुड गिव अ रीजन टू द व्यूअर, व्यूअर के लिए एक वजह देना है आपके चैनल के दूसरे वीडियोस देखने के लिए, और आप जब अपलोड करोगे तो नया वीडियोस भी देखने के लिए। स्टैंड अप कॉमेडियंस के बारे में सोचो, फॉर एग्जाम्पल अभिषेक उपमन्यू, जब भी वो अपलोड करता है रिकमेंडेशन में आ जाता है, आई डेफिनेटली गो एंड वॉच, वो जो 10-12 मिनट जो होता है मेरे लिए वो एंटरटेनमेंट है। अगर आपके पूरा चैनल में फालतू में अपलोड किया हुआ कोई भी वीडियो है वो निकाल दो, ऐसे वीडियो नहीं होना चाहिए जिसको आपने ऐसे ही अपलोड कर दिया, लोग आके उस वीडियो को देख रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो लोग निकल जा रहे हैं। आपको अच्छा लगता होगा, व्यूअर्स को अच्छा नहीं लगता होगा, वो अलग बात है, एटलीस्ट आपको तो ऐसे लगना चाहिए कि अगर ये वीडियो यूट्यूब पे होता तो मैं खुद 3-4 मिनट तो ये वीडियो को देखता। ये कॉन्फिडेंस अगर आप में है तो उस वीडियो को वहां पे रहने दो, अगर नहीं है तो उसको वहां से निकाल दो। एवरी वीडियो शुड बी अ स्ट्रॉन्ग वीडियो। आपका आइडेंटिटी, आपके चैनल का आइडेंटिटी ऐसे हो जाना चाहिए कि आपका कोई भी वीडियो आए लोगों को देखने का मन करे, जैसे ही लोग देखते हैं आपका वॉच आवर्स बढ़ेगा। क्रिएट एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी। से फॉर एग्जाम्पल एक नया ब्लॉगर है, वो ट्रैवल भी करता है और अलग अलग जगह के बारे में बताता भी है। आई हैड बीन टू गोवा, मुझे गोवा के बारे में पता है, उतना ही नहीं गोवा का बहुत ब्यूटीफुल सिनेमैटिक वीडियोस मैंने देखा है। दूसरे जो मिलियन फॉलोअर्स जो होते हैं ऐसे लोगों का व्लॉग्स भी देखा है ऑन गोवा। उसके बावजूद हो सकता है कि मैं वो जो नया ब्लॉगर है उसका वीडियो देख लूं। मैं क्यों देखूंगा, उसमें कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, उसकी वीडियो में एक इंडिविजुअलिटी है, वो जैसे बात करता है वैसे बाकी सब लोग बात नहीं करते हैं। एक ब्यूटीफुल सिनेमैटिक वीडियो ऑफ गोवा, उससे अच्छा मैं इसका नया व्लॉग प्रेफर करूंगा अगर ये अपना इंडिविजुअलिटी इस वीडियो में रखता है तो। इसका मतलब ये भी है कि दूसरे यूट्यूबर को इमिटेट मत करो, अगर ऐसे कर दिया तो विजिटर्स को आपके वीडियो के ऊपर आने का वजह नहीं रहेगा। अगर आप डांसर हो तो उस डांसिंग में थोड़ा सा आपका यूनिकनेस होना चाहिए, किसी में फ्यूजन करो, कुछ अलग सा करो, कुछ तो करो, लेकिन आपका वीडियोस थोड़ा सा अलग बनाओ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपलोड मोर वीडियोस। ये ऑब्वियस ही बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जितना आप वीडियोस डालोगे उतना ही ज्यादा आपका वॉच टाइम होगा, ज्यादा वीडियोस
ज्यादा क्लिक्स, ज्यादा व्यू टाइम। मैं अज्यूम करता हूँ कि आप सीरियस यूट्यूबर्स हो, यूट्यूब के सक्सेस के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो। दूसरी बात, कम से कम वो 4000 आवर्स पहुंचने तक मेक लॉन्गर वीडियोस। आपका टैलेंट कुछ भी हो सकता है, कुछ ज्यादा टाइम कंट्रीब्यूट करके मेक इट अ लॉन्गर वीडियो। अगर 8-10 मिनट का है तो कम से कम हो सकता है कि 2-3 मिनट देखेंगे, विच मीन्स काफी वीडियोस। जब आपका लॉन्गर वीडियोस देखेंगे, आपका वॉच टाइम वहां से भी आएगा। और 4000 आवर्स पहुंचने तक एक टाइम लिमिट मत रखो। हो सकता है कि आप में से काफी सारे लोगों का ड्रीम एक ही है, यूट्यूब में सक्सेस। लेकिन ये भी सच है कि आपका लाइफ भी अलग है। आप में से हो सकता है कि किसी एक का मोनेटाइजेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2-3 महीने में हो जाए, किसी को 1.5 ईयर लग जाए। ये होता ही है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन इस तरीके का वीडियोस बनाना जहां पे व्यूअर्स बार बार आपके चैनल पे आए, आपका कोई रिकमेंडेड वीडियोस आए तो उस पे जाके क्लिक करें, ज्यादा वीडियोस भी डालो। और हो सकता है कि शुरू में एटलीस्ट लेंथी वीडियोस बनाओ। इन सब का जो कॉम्बिनेशन होगा, जहां तक मैं जानता हूँ, सिर्फ एक महीने में आपको एनालिटिक्स में चेंजेस दिखने लग जाएगा। एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, इफ आई कंटिन्यू लाइक दिस आई गेस आई विल रीच 4000 आवर्स सून। होपफुली आपको कुछ सीखने को मिले इस वीडियो से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लेट मी नो बाय हिटिंग द थम्स अप। प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स अगेन, टेक केयर।